बस्मिलहन रहीकूमारिमान उम्मीद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिश स्नाइडर्स डाइनमिक मॉड्यूल ऑफ़ पोस्ट कलोनियल इंग्लिश पिछली वीडियो में हमने एक चार उसके तीन सर्कल्स डिस्कस किए थे वो भी मॉड्यूल में ही आते हैं जिसमें इनर सर्कल आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको ज़रूर देख लीजिएगा बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ एडगर वार्नर स्नाइडर to टू a अ प्योरली जियोग्राफिकल एंड historical approach. इसका ये मानना था कि ये जो चारोस के जो तीन सर्कल्स थे उसमें ओबियसली उसने जियोग्राफी की बात की है मीन दुनिया की बात की है हिस्ट्री की बात की है एविडेंट इन द सर्कल्स मॉड्यूल एंड इन कारपोरेट सोशल लैंग्वेस्ट कंसेप्टू एक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी लेकिन इसका ये भी मानना है कि भाई इसमें सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लैंग्वेज को प्रमोट करने में ही आउटलाइंस यहाँ पे पांच करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे पहला फेज़ है फाउंडेशन का पहला फेज का नाम क्या है फाउंडेशन दिस इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ़ इंग्लिश टू अ न्यू टेरिटरी ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ये एक ऐसा स्टेप होता है जब आप इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराते हो किसी भी एरिया के लोगों को टू लैंग्विस्टिक प्रोसेस आर ऑपरेटिव एट दिस स्टेज लैंग्वेज कॉन्टेक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड इंडीनियस लैंग्वेज इसमें क्या होता है कि एक तो लैंग्वेज ओबियसली इंग्लिश होगी दूसरे वहाँ के जो लैंग्वेज होगी वो होगी ठीक है उसके बाद है कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट डायलैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ऑफ द सेटलर्स विच इवेंचुअली रिजल्ट इन अ न्यू स्टेबल डायलैक्ट अब इंग्लिश के भी बहुत सारे डायलैक्ट्स होते हैं और उनमें से आपने कौन सा डायलैक्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना है ये भी देखना पड़ता है एट दिस स्टेज बायो इज़ मार्जिनल अ फ्यू मेम्बर्स ऑफ द लोकल पॉपुलेशन में प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज एन इंटरप्रेटर्स ट्रांसलेटर्स एंड गाइडियंस तो फिर इसका ये मानना है कि कुछ वहाँ के जो लोकल्स होंगे जो इंटरप्रेटर्स या जो ट्रांसलेटर या जो गाइडियर्स के तौर पर काम करेंगे वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इंग्लिश को प्रमोट करने में बारो आर लिमिटेड टू लेक्सिकल आइटम्स विद लोकल प्लेस नेम्स एंड टर्म्स फॉर लोकल फोना एंड फ्लोरा द इंग्लिश कहते हैं जब वर्ड्स बारो किए जाते हैं उसमें वो सिर्फ सिटीज़ यानी जो जगह हैं वहाँ तक महदूद रहते हैं ठीक है यानी ना जो सिटी के नाम वगैरह जगहों के नाम है वहाँ तक महदूद रहते हैं बाकी आप कोई ऐसी चीज़ें वर्ड या जो दूसरी चीज़ें ऐसे बारो नहीं कर सकते लाइक like, आप दूसरे लैंग्वेज की जो चीज़ें हैं जो वर्ड्स है जो सेंटेंसेज है जो है, है उसको बारो करते हैं फेज़ टू फेज़ टू में क्या है एग्जो नॉर्मेटिव स्टेबलाइजेशन एट दिस स्टेज डेट दटलर कम्यूनिटीजेंड टू स्टेबलाइज पोलिटिकली अंडर क्रिटिश रूल इसमें क्या होता है कि जो सेटलर्स uh, होते हैं जो वहाँ पर आते हैं वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं लाइक इंग्लिश इंक्रीजेज एंड प्रोमिनस एंड दो इंग्लिश इज़ अ कॉलोनियल कॉन् द स्पीकर लुक टू इंग्लैंड फॉर देयर फॉर्मल नॉम्स जो स्पीकर होंगे वो क्या करेंगे वो क्या करेंगे इंग्लैंड की इंग्लिश को दे, मतलब जो इंग्लिश अंग्रेज़ बोलते हैं उसको देखेंगे कि यार वो किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यूज़ करते हैं लोकल वोबलरी कंटिन्यूज टू बी अडोप्टिड इसमें क्या होगा अब जब आप सीखते हो ओबियसली इसमें क्या हो सकता है इसमें आप जो है अपनी जो लोकल चीज़ें हैं उसको भी आप समटाइम्स अनकॉन्शियसली एड कर लेते हैं बायोलिज़म इंक्रीज अमंग्स द इंडियन जीनियस पॉपुलेशन थ्रू एजुकेशन एंड इंक्रीज कॉन्टेक्ट विद इंग्लिश सेटलर्स नॉलेज ऑफ इंग्लिश बिकम्स एन एसेट एंड अ न्यू एट एंडियस एलिप्स फिर ऐसे नए ग्रुप्स बन जाते हैं पेज थ्री नेटिवजेशन अकॉर्डिंग टू स्नाइडर दिस इज द स्टेज एट विच अ ट्रांसलेसन अ करज एज द इंग्लिश सेटलर पोपलेन स्टार्ट टू एक्सेप्ट अडेंटिटी बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड लोकल रियलिटी एलिजेंस टू दियर मदर कंट्री इसमें जो सेटलर्स होते हैं वो अपनी न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं वो अपनी ओल्ड आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं रहते जो कौन से आइडेंटी उनकी मदर कंट्री की आइडेंटिटी होती है ठीक है वहाँ से अपने आप को ये बाहर निकालते हैं और किस आइडेंटिटी पर अपने आप को मैंटेन रखते जो इन्होंने अडोप्ट की होती है अब वो आइडेंटिटी वो किसी भी लोगों से यानि किसी भी लैंग्वेज के एडोप्ट कर सकते हैं बाइट दिस स्टेज द इंडजीनियस ट्रेंड हैज़ आल्सो स्टेबल एंड लाइक लैंगवेज सेकेंड लैंग्वेज सिस्टम दैट इज़ असिस ऑफ सब स्ट्रेट एफेक्ट्स इंटर लैंग्वेज प्रोसेस एंड फीचर्स एडोप्टिड फ्राम दिस सेटलर्स लैंग्वेज न्योलॉजिजम स्टेबिलाइज एज इंग्लिश इज मेड टू अडाप्टू लोकल सोशो पोलिटिकल एंड कल्चरल प्रैक्टिस फिर इसमें न्यूलॉजिज़म का भी कंसेप्ट आता है न्योलॉजिज़म का मतलब ये है कि जब आप न्यू वर्ड्स को जो है क्रिएट करते हो ठीक है उसके बाद है हमारे पास फेज फोर जिसमें पॉइंट है वो है इंडो नॉर्मेटिव स्टिविलाइजेशन दिस स्टेज इज करेक्टराइज बाय द ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस ऑफ लोकल नॉम सपोर्टेड बाई न्यू लोकली रूटेड लैंग्विस्टिक सेल्फ कॉन्फिडेंस बाई दिस टाइम पोलिटिकल इवेंट्स मेड इट क्लियर दर्ट दटलर एंड इंजीनियस ट्रेंड आर इन बाउंड इन अस ऑफ नेशन हुड इंडिपेंडेंट ऑफ क्रिस्जन इसमें इस स्टेज इस में क्या बताया गया इस स्टेज में यह है कि जो लोकल्स है उनको ये बताया जाता है कि आपने रूल्स को फॉलो करना है किसके रूल्स पे ओबियसली जो वहाँ पे आते हैं यानी जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग या ऐसे कंट्री या ऐसे जो लैंग्वेज को जो इम्पोज करते हैं उन लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो कर वो बाउंड होते हैं ठीक है नेशन हुड के जो रूल्स होते हैं यानी जो नेशनस के रूल्स होते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ लोकल इंग्लिश दिस न्यू आइडेंटि नेशनल डिक्शनरीज़ आर इंथोजिस्टिकली सपोर्टेड एट लीस्ट फॉर न्यू लेक्सिसटरी क्रिएटिविटी इन लोकल इंग्लिश बिगेन्स टू फ्लोरिश और इसमें ये जो डिक्शनरीज़ है इनकी भी डिस बात आती है लाइक इनको भी जो है प्रोमोट किया जाता है कौन सी डिक्शनरीज इस्पेली जो इंग्लिश की होती है फेस पाइप At this stage, there is a change in the dynamics of identity as the young nation sees itself as less defined by its differences from the former colonial power as a composed of subgroups defined on regional, social, and ethnic lines, coupled with the simple effects of time in effecting language change. With the new English mind, starts to show greater differentiation. इसमें ये बताया गया है इस पॉइंट में कि एक किस्म की लाइक जो फ़र्क है उसको देखा जाता है बल्कि कम फ़र्क जैसे एक वक्त में जब आपके मुल्क पे लाइक जब हुकूमत की गई थी यानी जो अंग्रेज़ों ने हुकूमत की तो उसमें क्या होता है कि एक वक्त ऐसा स्टेज भी आता है एक स्टेज ऐसा भी आता है जिसमें ये जो यंग्स होते हैं यानी जो जनरेशन न्यू जनरेशन होती है वो ऐसा फ़ील करती है कि जो हमारी फॉरनर कॉलोनीज़ थी यानी जो सबका कॉलोनीज़ थी उनमें और हम में अब कोई फ़र्क नहीं है मतलब हम भी जो है उनकी चीज़ों को एडॉप्ट कर रहे हैं बेशक वो हमसे थोड़ा ऊपर है लेकिन हम बिल्कुल उनके करीब होते हैं सो so दोस्तों ये तो आज का हमारा टॉपिक कैनियन इंग्लिश हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़े टेक केवे